हिम्मत के वास्ते अहे रमन के रास्ते सुबह को शाम कर फतह मेरा काम कर। तुमने मुझे याद किया, बोलो क्या चाहते हो। मैं दुनिया का बादशाह बनना चाहता हूँ, सारे जहान की खुशियाँ अपने कदमों में डालना चाहता हूँ। ये सब ने सिर्फ लेकिन वो चिराग मिलेगा का? यहाँ से काले कोसों दूर काफरान के जंगल में रखनुमा चट्टान के नीचे मैं वहाँ जाऊँगा। जाओ, लेकिन जादुई चिराग हासिल करने के लिए तीन शर्तों का पूरा करना जरूरी है। तीन शर्तें? क्या है वो शर्तें? पहली शर्त ये है कि उस घर के अंदर सिर्फ एक नेक दिल आदमी ही जा सकता है, और तुम एक शैतान हो। इसलिए पहले उस नेक दिल आदमी की तलाश करो। जाने दो तुझ पर, तूने मुझे शैतान कहा। दूसरी शर्त ये है कि उस नेक दिल आदमी के दाएं बाजू पर 21 दिल होंगे जिनकी शक्ल जादुई चिराग से मिलती जुलती होगी। लानत हो तुझ पर। तीसरी शर्त यह है कि अगर तुमने उस नेक दिल आदमी को गाली दी तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। लानत तुझ पर, ये क्या बकवास करता है। जो कोई लक्ष्मी चमगादड़ को 3 बार गाली देता है वो उसका आका नहीं रहता। अब मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। जब जब तू अपने शैतानी करतूतों में नाकाम रहेगा मैं हाजिर हो जाऊंगा और तेरी मौत के दिन रिहाई पाऊंगा। अरे अरे अरे, फिर तो सही, कहाँ जाती है? मुझे जाने को शहजादी साहिबा की नजर बचाकर यहाँ आई थी। अगर उनकी सवारी के साथ मौजूद न हुई तो मेरी नौकरी जाती रहेगी और मेरी जान जाती रहेगी। अरे अरे अरे, खैर खैर भैया, वो चली गई। ये तुम्हें क्या हुआ? ये बकवास है, सरासर जुल्म है। कैसी बकवास, कैसा जुल्म? महज एक औरत की आसाइश के लिए सैकड़ों लोगों को यूं बंद कर दिया गया जैसे कि वो इंसान नहीं भेड़ बकरियां। क्यों? क्योंकि वो एक शहजादी है, शाही महल में रहती है, और हम सिर्फ गली कूचों के बेजुबान जानवर। अलादीन अलादीन, तुम सुल्तान आली की तौहीन कर रहे हो। नहीं रहमू चाचा, बल्कि ये कहो कि मैं ऐसे बेहुदा कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा हूँ। सुल्तान आली दिन ब दिन वजीर आजम मसूद बेग के इशारों पर नाचने लगे। बजा बस, तो मैं वो कानून तोड़ कर ही रहूंगा। बाप ने नमारी मेंढ की और बेटा 30 मार खा। सुल्तान आली का हुक्म तोड़ने वाले की सूरत तो देखो। ये बात है तो सुन लो हाशिम बेग, मैं आज ही बाहर जाऊंगा और शहजादी के बारे में मुकम्मल तफसीलात लेकर आऊंगा। वो कैसी है, कितने उम्र की है, क्या कपड़े और जेवर पहन रही है। आसमान से सर टकराना चाहते हो तो मेरी शर्त भी सुन लो। अगर तुम शहजादी साहिबा के बारे में तफसीलात लेकर आए तो मैं तुम्हें इन हारे हुए दिनारों से दुगने दूंगा, और अगर न लाए तो ये सब मैं वापस ले लूंगा। बोलो, है मंजूर? मंजूर है। रेमू चाचा, ये अमानत अपने पास रखो, हार जीत का फैसला होने पर हकदार को दे देना। भाई वाह, इसे कहते हैं मर्दानगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, बाजवान वाह। अरे भैया, ये क्या हिमाकत, हाथ आई दौलत को लुटा रहे और तो नहीं, अपनी गरीब माँ का ही ख्याल करो। पकरू, मेरी माँ मुझे जान से भी प्यारी, मगर दिए हुए कौल से फिरना मेरे लिए मौत बराबर। ढूंढ ढूंढ कर थक गई, तू कहीं मरा होता तो मिलता। माँ, निकम्मे निखट्टू, जब से तेरा बाप मरा है यही जगह तेरी मीरास हो गई है। चाची, यही मैं भैया को समझा रहा था। तू चुप रह। क्यों शेरदील, आपके बातें तो बहुत कर रहा था। चाची, और चाची, क्या कर रहा है?
या खुदा, मेरा गुनाह मुझे माफ कर। चोट तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं। खुदा का शुक्र। शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा, गुलाम जान की अमान चाहता है। शहजादी साहिबा, इस मर्दूत को सजाए मौत का हुक्म सादर फरमाया जाए। नहीं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, हम खुद अपने आप को नहीं संभाल सके, इसे माफ किया जाए। शहजादी साहिबा का इकबाल कल हो, शहजादी साहिबा का इकबाल कल हो। भैया अलादीन, देखा है? क्यों, शहजादी साहिबा को देखा है? मुंह क्यों सिल गया? बोलो ना तीस मार खां, देखा है? नहीं। क्या हुआ बेटा, क्यों चुप हो? मैंने नहीं कहा था? इस कायर की क्या मजाल है कि शहजादी साहिबा की परछाई को भी देख सके? क्यों, अबे जल्दी बोल ना। सच तो है। क्यों, क्या काम है? ले जाओ, अब तुम्हारे बाबा 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 बाप का मारे। जान बची लाखों पाए, फैली गई तो गम नहीं, बुद्धू तो वापिस आए। खबरदार जो मेरे बच्चे को बुद्धू कहा, इसको बुद्धू कहने का हक मेरा ही है। चल बुद्धू घर चल, आज मैंने तुझे पीस पीस कर दलियाना बनाया तो मेरा नाम फातिमा नहीं। चल ले जाओ, ले जाओ चाची, ले जाओ, दलिया बनाओ या छलिया बनाओ, अपना ही माल है। अरे बुद्धू, तूने शहजादी को नहीं देखा तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? मोहल्ले में एक से एक बढ़कर चांद सी लड़कियां मौजूद हैं। होंगी माँ, मगर मैंने जिस चांद को देखा है वो सबसे निराला। वाह रे वाह, सोना टाट पर और ख्वाब गालीचों के। क्या कहा, कहीं तूने शहजादी को तो नहीं देखा? हाँ माँ, जब मैं हाशिम बेग से शर्त लगाकर बाहर गया था। फिर वहां झूठ क्यों बोला? माँ, अगर मैं ये राज तुम पर जाहिर कर देता कि मैंने एक असमत माँ औरत की सूरत देखी तो कानून तो कानून, मेरा खुदा भी मुझे कभी माफ नहीं करता। बदरुल बदर, आसमान के चांद को भी शर्मा देने वाला जमी का चांद। हमारी लाडली को आजकल क्या हो गया है, बिल्कुल खोए खोए सी रहने लगी है। कहीं कोई जादू तो नहीं चल गया? जादू चल से कोई देर लगती है? ऐसा कौन सा दिल है जो इस महताबी हुस्न की एक ही झलक देखकर बेईमान ना हो जाए? चलो हटो, बहुत दिल लगी हो चुकी, अब कोई काम की बात करने। सूफिया, एक बात पूछो, इरशाद कीजिए। क्या मर्दाना हुस्न सिर्फ शाही महलों और अमीर खानदानों ही में होता है या गरीबों की झोपड़ियों में भी? मतलब? हमें तो आज तक यही बताया गया है कि असली खूबसूरती और शुजात सिर्फ बड़े खानदानों में होती है, मगर हमारे दिल में तो अब शक पैदा हो गया। आए। आए।
खुश आने पर। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही। शहजादी साहिबा, ये बेकरारी यूं ही नहीं होती। तो फिर दिल होता है बेकरार जब होती हैं आंखें चार। हटो। शर्मा के जरा पे मस्त अदा, इतना तो बता दिल तूने किसको दिया। शर्मा के जरा पलकों के बना के डोरे डोरे, दिल किसको पुकारे चोरे चोरे। चेहरे से हटा जुल्फों की घटा, सूरत तो दिखा डोरे डोरे। दिया ना माँ को। खैर, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। भाई आई, कौन आई? कहीं मेरी सूतिया तो नहीं आई? बेवकूफ, सूतिया नहीं, तरक्की बाई। तरक्की बाई तो आने दो, अपना ही माल है। चल मेरे साथ चल। कहाँ ले चलो?
शाही महल में शाहजादी के पास। चलो चलो भैया, वहां मेरी सूफिया होगी। भैया शाही महल में मैं नहीं जाऊंगा, तुमने मुझे देख लिया तो तुम्हारे साथ मैं भी भूखे शेर का निवाला हो जाऊंगा। चलता है तो तू झापा। नहीं भैया, तो जा मेरे साथ। नहीं 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 आऊंगा, नहीं आऊंगा, कहता हूं नहीं। दादी दादी, कैसा शोर हो रहा है? चाची चाची, अलादीन को समझाओ, इसका सर भर गया, ये मुझे फकीर को दो मौला के दो, एक लोगे बहत्तर लोगे। कहाँ है वो बागी जिसने मेरे वालिद की तौहीन की? हजरत का सितारा बुलंद है, देखिए वो सामने से ही आ रहा है। अबे चल, क्या देखता है? अरे भैया, नूर उसका, जहूर उसका, जो न देखे कसूर उसका। बस आज ही फैसला हो जाएगा, होशियारी से काम लेना। सुल्तान अली की तौहीन की है। सुल्तान अली की तौहीन तो और क्या, जानता नहीं ये शानदार घोड़ा सुल्तान अली की तरफ से मिला हुआ एक तोहफा है, तुमने इस पर हाथ उठाया है। लेकिन मैंने जो कुछ किया है अपने बचाव के लिए किया है। चोरी और फिर सीना दौरी, पकड़ लो बदमाश को, कल दरबार में उसका फैसला होगा। हजरत मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं, मैं खूब जानता हूँ ये चालबाजी मुझसे जानबूझ के की गई है। चलो ले जाओ बेटा अपना ही माल। अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। मुकदमा पेश हो। मुलाहिजा फरमाइए शहजादी साहिबा, अपने होने वाले शहर की तरफ तो देखिए, क्या बात है? आजकल इनकी सूरत देखते ही आपके तेवर बदल जाते हैं, ना जाने क्यों, ये बात खुद हमारी समझ में नहीं आती। अरे ये तो अलादीन है, क्या तू इसे जानती है? हाँ शहजादी साहिबा। आला मुजरिम अलादीन बिन मुस्तफा ने सरकार के इनायत करदा घोड़े अल हमील पर हाथ उठाकर आप हुजूर की इज्जत पे हाथ उठाया है, जिसकी सजा मुजरिम को कोड़ों से पिटवाकर शहर बदर तक हो सकती है। मुजरिम को कुछ कहना है? अली जा, मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सरासर झूठ है। मुजरिम को होश में रहकर बात करनी होगी। ऐसे में होश कैसे रह सकते हैं? अगर पर्दा हट जाए तो एक इशारे में इशारा हो जाए। कैसा इशारा? हुजूर आली, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हाशिम बेग के इशारे पर हजरत नाजिम बेग ने जानबूझकर घोड़े को भड़काया। उल्टा चोर कतवाल को डांटे, अल हमील को भड़काकर तू मुझे गिराना चाहता था, बागी मुजरिम। मुजरिम? जरूर मैं मुजरिम हूं, मगर बगावत का नहीं, मुजरिम हूं मोहब्बत का, चाहे जो सजा देना। ये क्या भेकी भेकी बातें कर रहा है? या वजीर आजम कनूर चश्म कभी झूठ बोल सकते हैं? हमला तो तूने किया है। नहीं, हमला मुझ पर हुआ है, मस्त नजरों का, काफर जवानी का। हुजूर आली, मुजरिम दीवाना मालूम होता है, मेरी तो राय है
कि कल सूरज निकलते ही इसे कोड़ों से पिटवाकर शहर बदर कर दिया जाए। मां बदौलत को यह फैसला मंजूर है। न जाने अब्बा जाना इतने संदिल क्यों हो गए हैं। रियाया परवर को यह संदिली जेब नहीं देती। जाने से पहले मैं एक इल्तजा करना चाहता हूं। बोलो। यही कि अदालत में जो एक पर्दादारी जारी है वह मेरे जाने से पहले हटा दी जाए। बेहुदा बकवास करके अदालत का वक्त क्यों जाया करते हो? इसलिए कि जो गुनहगार है वो बेगुनाह है। इस बावी को यहां से ले जाओ। तस्लीम बजा लाता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंसाफ शाही तख्त पर न सही अदालत के किसी कोने में जरूर जिंदा है। अब मैं तैयार हूं। न जाने अब उस बेचारे का क्या हश्र होगा। सूफिया, अगर मैं अब्बा जान से अलादीन को माफ करने की इल्तिजा करूं तो आपकी कोशिश बेकार जाएगी। सुल्तान अली वजीर आजम के हाथों में खिलौना बन गए हैं। तो फिर क्या किया जाए? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। खुदा पे भरोसा रखिए और दुआ मांगिए, वो सबका बेली है। अब आप आराम। मुसीबत है ये कुदरत की हकीकत है, ये कुदरत की हकीकत है। मोहब्बत में मुसीबत है ये कुदरत की हकीकत है, ये कुदरत की हकीकत है। जहाँ पानी बरसता है वहाँ बिजली बिगड़ती है। यूं ही उल्फत के मारों पर ये दुनिया जुल्म करती है। पत्थर की दीवारों मेरे अश्कों से मर
है सता ले जितना जी चाहे सता ले जितना जी चाहे बड़ा जालिम जमाना है सता ले जितना जी चाहे सता ले जितना जी चाहे किसी की कुछ नहीं चलती कि जब किस्मत बदलती है वही उल्फत के मारों पर ये दुनिया जुल्म करती है शान की खिदमत में तसलीम ओहो रस्सी जल गई मगर बल न गया देख लिया अपनी जिद का नतीजा अगर तू अच्छी तरह से अपनी बेटी बदल बदल की शादी मेरे बेटे के साथ कर देता तो न तुझ तेरे ये तख्तताज छिनते और न आज तेरी ये हालत होती बोल अब क्या जवाब है तेरा वही जो पहले था मैं हजार बार कह चुका हूं कि मैं अपनी मासूम बेटी की शादी तेरे नालायक बेटे के साथ करने के लिए हरगिज राजी न होगा हरगिज राजी न होगा सुन ले इस तहखाने से तेरी जालिमों तुम्हारी ये जुल्म कोई और नहीं देखता तो वो हजार आंखों वाला जरूर देखता है हजार देर नहीं 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 बस कीजिए और नहीं तो कुछ इनके बुढ़ापे का तो ख्याल कीजिए तुम ऐसे मौकों पर चुप रहा करो और ये मत भूला करो कि तुम रेशमा शहर के कासम मोची हो हमने तुमको सुल्तान बना दिया मुझसे गलती हो गई आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा Thank you.
شان حاکم عالی مرتبہ بادشاہ بلند قیصر زمان حضرت بہن الدین کے فرمان کے مطابق علادین بن مصطفیٰ نامی باغی کو چوک میں کوڑوں سے پٹوا کر شہر بدار کیا جائے گا۔ نہیں نہیں چاچی، میرا بچہ بے گناہ ہے، رحم کرو، ارے کچھ تو رحم کرو۔ ہمت رکھو چاچی، ہمت رکھو، آخر میں سچائی کی پتا ہو۔ ہاں صبر کرو بیگم، صبر کرو۔ تمہارا کلیجہ کیوں پتھر ہو گیا ہے؟ کچھ تو رحم کرو، میرے بڑھاپے کی فریاد سنو۔
कौन है? अलादीन, मेरा भतीजा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने तुझे पा लिया। मैं आपका भतीजा? हाँ, मैं ही तेरा बदनसीब चाचा हिकमत में हूँ। आज से 17 साल पहले तुम्हारे अब्बा से झगड़ के चला गया था। तो आपने मुझे पहचाना कैसे? तुम्हारे इन किलों के निशान देखकर। आज जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो वो जालिम तुम्हें कोड़ों से मार रहा था। किस बेरहमी से मारा है मेरे बच्चे को। अगर मैंने गिन गिन के इसका बदला न लिया तो मैं मुस्तफा का बेटा नहीं। मरहबा, इस नेक काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप मेरा साथ देंगे, मगर कैसे मेरे अच्छे चाचा? सुनो, यहाँ से कई कोसों दूर काफरान के जंगल में एक रुखनुमा नामी चट्टान है। उसके नीचे गार में बेशुमार खजाना पड़ा है, जिसको पाकर हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। तो चलिए चाचा, काफरान का जंगल तो क्या, मैं सात समंदर पार भी जाने के लिए तैयार। शाबाश, लेकिन एक शर्त है बेटा। शर्त? वो क्या? ये कि उस गार में एक पुराना सा चिराग है, बस वो ही मुझे लाकर दे देना। अरे वाह चाचा, मांगा भी तो क्या, एक पुराना सा चिराग। हाँ बेटा, मेरे लिए वो पुराना चिराग ही काफी, ये बाकी जिंदगी उसे जलाकर अल्लाह ताला की याद में गुजार दूंगा। चलिए चाचा। चलो। यही हमारी मंजिल। चाचा, ये कैसा अजीब सा पत्थर है? हाँ बेटा, इसी पत्थर के नीचे तुम्हारी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लो, अब मैं अपना काम शुरू किए देता हूं। हिकमत के वास्ते, ताऊस के रास्ते, सिल को ढल कर, मुश्किल मेरी हल कर। अलादीन, अब तुम इस दरवाजे को उठा लो। लेकिन ये तो बहुत वजनदार नजर आता है चाचा। वाकई वजनदार है, लेकिन तुम्हारे हाथ लगते ही फूल की तरह हल्का हो जाएगा। उठाओ। शाबाश। अब तुम नीचे उतरो। अकेला ही? हाँ बेटा, ये काम सिर्फ तुम्हें अकेले ही करना है। जब तुम नीचे जाओगे तो एक बहुत बड़े कमरे में एक पुराना सा चिराग जलता हुआ नजर आएगा, उसे बुझाकर हिफाजत से ले आओ। जो इरशाद। कूद जाओ। वाकई चाचा, यहाँ तो मालो दौलत के ढेर लगे पड़े हैं। पहले चिराग हासिल करने के लिए आगे बढ़ो बेटा, वापस आते वक्त जो जी चाहे ले लेना।
शाबाश, वाकई तुम बहादुर हो। लाओ वो चिराग मेरी तरफ फेंक दो। लेकिन पहले तुझे बाहर तो निकालो। नहीं, पहले वो चिराग मुझे दे दे, बाद में बाहर निकालूंगा। चाचा, ये चिराग तो तिलस्मी मालूम होता है। तो क्या हुआ? मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। ला जल्दी वो चिराग मुझे दे दे। अगर मुझे पता होता कि तू इतना जिद्दी है तो हर किसी अंदर न भेजता। कुछ भी कह लो चाचा, पहले राज बताओगे तो चिराग दूंगा। ना हंजार, बदमाश, लानत हो तुझ पर। चाचा, गाड़ियों से चिराग नहीं मिलेगा। अगर तेरी जिद का यही आलम है तो मर जा इसी गार में तड़प तड़प कर। मैंने नहीं कहा था कि अगर तुमने उस नेक दिल आदमी को गाली दी तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। कम्बख्त, फिर तो सताने आ गया। अलादीन के हाथों ये तुम्हारी पहली शिकस्त है, अब मुलाकात होगी तुम्हारी दूसरी शिकस्त के मौके पर। ए मालिक के दो जहां, अलादीन तेरा बंदा है, उसकी तमाम मुश्किलें हल करते, तेरी रहमत से हर किसी की बिगड़ी बन जाती है। मेरी बिगड़ी भी बना दे मालिक। मेरे आका, क्या हुक्म है? आका, मेरे तुमसे गलती हुई है। मैं अलादीन हूं, मुस्तफा बिन असगर हुसैन का बेटा। तुम कोई भी हो, मेरे आका हो, तुम्हारे पास ये जादुई चिराग है। मैं इसका जीन हूँ। जीन हो? हाँ, जब भी तुम इस चिराग को रगड़ोगे मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा और तुम्हारे सारे हुक्म बजा लाऊंगा। सारे हुक्म बजा लाओगे? हाँ बेशक, आजमा लीजिए। तो मुझे इस गार से बाहर निकाल कर मेरी माँ के पास घर पहुंचा दो, लेकिन शारदा के पास में, और ऐसी होशियारी दिखाओ कि मुझे कोई देख न सके। ये तो मेरे बाहर का खेल है। सुनो मेरे आका, कुछ भी हो चोटी न छोड़ना। कहने की जरूरत नहीं, इस वक्त ये मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। ओ, ये क्या करते हो? इतना तेज दौड़ो। तेज? ये तो मैं सैर कर रहा हूँ।
अरे वाह, यहाँ जान उड़ी जा रही है और तुम्हारी सैर हो रही है। जिसने तुझ पर हुस्न की दुनिया लुटा दी प्यार से, वो कभी मुनकिर न होगा हुस्न की सरकार से। सलाम मोहब्बत अर्ज करता हूँ। तस्लीम बजा लाती हूँ हजरत। आज ये अल्फाज में नश्तर कैसे? आज हमारी तबीयत नासाज है। कई दिनों से शहजादी साहबा बस एक ही राग सुनाती है। कहिए, मैं आपको किस तरह खुश कर सकता हूँ? क्या हजरत सचमुच हमें खुश कर सकते हैं? दिलो जान से, इस जान से सूरत की कसम। तो आप अलादीन की सजा माफ करवा दीजिए। अलादीन? ओ, शाही महल में जलने वाली शमा ने अब झोपड़ों की भी रोशन करना शुरू कर दिया है। अगर आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते तो इनकार कर दीजिए। बाकी अलादीन का जुर्म एक नहीं 100 है। अभी उसी दिन का जिक्र है जबकि आप शाही हमाम तशरीफ ले जा रही थी। कहता था मैं कानून तोड़कर शहजादी साहबा की सूरत देख कर ही रहूंगा, मगर वो तो खैर हुई कि वो अपनी शर्त हार गया, वरना वो आपको गली कूचों में बदनाम कर देता। तो ये बात है, फिर तो वाकई आपने हमें खुशखबरी सुनाई है। हम आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें? उस बदमाश की क्या मजाल कि वो आपकी कनीस का भी मुंह देख सके, जबकि मैं खुद मुद्दत से आपकी दीदार का मुंतजर हूं। महबूबा मन, अब ज्यादा ना तड़पाओ। हद से गुजरना अच्छा नहीं हजरत। और आप भी ये मत भूलिए कि मैं आपका होने वाला शौहर हूं। वो दिन दूर नहीं जबकि मैं खुद इन हाथों से ये नकाब हटाऊंगा, इन नशेली आंखों की शराब पीऊंगा। और हजरत, उस दिन की बात उस दिन होगी। कनीज तस्लीम बजा लाती है। सूफिया, हजरत तशरीफ ले जाना चाहते हैं, दरवाजा खोल दो। होशियार, अब हम नीचे उतर रहे हैं। चाची, अभी तक आपने खाना नहीं खाया? भैया घर में था तब वो बुद्धू, माफ करना, वो पट्टा भूखा रहा करता था। जब से वो गया है उसका ठेका तुमने ले लिया। लो ये शरबत पी लो, पेट में ठंडक पड़ जाएगी। मेरे पेट में तभी ठंडक पड़ेगी जब मैं अलादीन को अपने पहलू में दबा लूंगी। वो अपने बेटे को जी भर के पहलू में दबा लो। अलादीन, मेरी अच्छी अम्मी, मिल लो, जी भर के मिल लो, क्यों नहीं, अपना ही माल है। अलादीन, ये अलादीन का भूत। चाची, चाची तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो भूत तुम्हें भी निकल जाएगा। भूत होगा तेरा बाप, तेरा चाचा, मैं माँ होकर अपने बेटे को नहीं पहचानूंगी। अलादीन, अम्मी, ये शान शौकत, ये हीरे जवाहरात, ये सब कहां से लाए हो? चाची, चाची, मैं कहता हूं इसे छोड़ दो, छोड़ दो, ये भूत है, ये भूत है। भूत? मैं भूत? मुझे शक है, हां, ले अपना इनाम। ये चापड़ तो अलादीन के हाथ की। भैया, तुम यहां कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तुम तो शहर बदर कर दिए गए थे। शहर बदर?
बाप रे चाचे, मैं जाता हूं, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो इसके साथ मेरा भी डब्बा गुल हो जाएगा। अलविदा। अरे बुद्धू कहीं के, किसकी मजाल है कि अब मेरे बेटे का बाल भी बेटा कर सके? कच्चा चबा जाऊंगी उसे और तुझे भी। बेटा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले कुछ खा ले। हाँ खा लो, ये सूखे बैंगन, बासी कचुंबर और ये मुर्दाल खिचड़ी खा लो। अबे खाने पीने की फिक्र छोड़, तुझे अच्छे से अच्छे पकवान खिलाऊंगा। जब से कोड़ों की मार खाई बेचारे का दिमाग फिर गया। ये बात है तो देख मेरी करामात। बोलो मेरे आका क्या चाहिए? जाओ हमारे लिए निहायत उम्दा उम्दा खाने लेकर आओ और इस टूटे फूटे मकान को आलीशान बना दो। अम्मी 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 घबरा नहीं अम्मी, वो तो मेरा गुलाम था। भैया इतना बड़ा गुलाम रख ली, पकड़ो। जाओ अम्मी के लिए शरबत लेकर आओ। क्या लाओ भैया? शरबत शरबत लाता हूँ शरबत। आओ अम्मी, अभी लाया भैया, अभी लाया। चीजों में भूत आ गया क्या? इसमें चाले कैसी पड़ गई भैया? देखो देखो ये तो ताज्जुब की बात। अरे ये सब क्या हो गया? अरे चाची भैया देखो देखो मैं तो बिल्कुल बदल गया, फखरू से फखरू की सुल्तान बन गया। ये छत के तो वही पुराने कपड़े, घबराओ नहीं ये भी बदल जाएंगे। ये तो आलीशान महल बन गया। क्या कहना भैया, आलीशान महल बन गया। मगर कुछ बताएगा कि? बहुत लंबा किस्सा है अम्मी, खाते खाते सब बता दूंगा। शाप फरमाइए अम्मी जान। ये पते की बात कही, पहले हिस्सा बाद में किस्सा, करो बिस्मिल्लाह। मोहिया अरे बाहर अलादीन तेरी करामत, ऐसी लजीज मुर्गी तो मेरे बाप ने भी नहीं खाई होती। भैया एक चीज की कमी है, मेरी सूफिया की। अगर वो जालिम यहां होती तो सोने पर सुहागा हो जाता। Thank you.
हाजरीन दरबार, आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि माँ बदौलत की दुख्तरे नेक अख्तर शाहजादी बदरुल बदर का निकाह आने वाले माह कामिल के रोज हजरत नाजिम बेग के साथ होना करार पाया। आमीन, आमीन। एलान साहब, और इस खुशी में सुल्तान आलीशान, हाकिम आली मर्तबा, बादशाह बुलंद, कैसर जमा हजरत बहानुद्दीन ऐलान फरमाते हैं कि तमाम कैदियों और मुजरिमों की सजाएं माफ करके उन्हें रिहा कर दिया जाए। सुल्तान आली जिंदा। और अब हमारी सरजमीन ताशियान के रस्म रिवाज के मुताबिक इस निकाह के बारे में किसी भी आदमी को एतराज हो तो वो अभी पेश करे, वरना हमेशा हमेशा के लिए खामोश रहे। मुझे एतराज है। अलादीन, अलादीन, हुजूर का इकबाल बुलंद हो, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। हुजूर आली, शहर बदर होने पर अलादीन ने यहाँ आने की जरूरत की है, इसलिए इसको फौरन मौत के घाट उतार दिया जाए। हुजूर ने जरा देर से इरशाद फरमाया। मतलब यही कि अभी अभी सुल्तान आली ने सबकी सजाए माफ कर देने का ऐलान फरमा दिया है। सही है, मगर जब शाहजादी खुद हजरत नाजिम बेग के साथ शादी करने पर राजी है तो तुम्हारा यह दूसरा गुनाह तुम्हें हरगिज माफ नहीं किया जा सकता। अगर ये सच है तो शहजादी साहिबा खुद सरे दरबार इस बात का इकरार करें। शहजादी साहिबा, ये वक्त आपकी खामोशी का नहीं है, अपनी खुशी का इजहार फरमाकर इस बागी का मुंह बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, हमें शादी मंजूर नहीं। ऐसा क्यों? क्या बात है? हुजूर आली, ये सब अलादीन की चाल है, इसने शहजादी साहिबा पर जादू चला दिया, वरना वो सरेआम आपकी इस तरह बेइज्जती न करवाती। बस अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, अलादीन ने मेरी इज्जत पर भी हमला किया है, मैं इसका बदला इससे जरूर लूंगा। अलादीन, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़कर देख ले। आपने मेरे दिल की बात कही, अगर सुल्तान आली की इजाजत हो तो मान लो। मेरा बेटा मुल्क का सबसे बड़ा शमशीरबाज है, वो एक हाथ में अलादीन को खत्म कर देगा। माँ बदौलत को यह फैसला मंजूर है, मुकाबले का इंतजाम किया जाए। निकाला है, जाकर सुराग निकालो। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। देखो आशम, ये काम तुम्हें बड़ी होशियारी से करना होगा, और देखना ये राज खुलने ना पाए। ये निशान वाली तलवार जहर में बुझी हुई है, अलादीन के हाथ में न चली जाए। ये खासदार को छोड़ दीजिए, जाओ। Thank you.
کہ علاؤالدین کے پاس جا اور میری طرف سے التجا کر کہ وہ ناظم بیگ سے مقابلہ نہ کرے اور اس تلوار کا راز نہیں یہ نہ کہنا کیوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ابا جان کے اخلاق پر کوئی دھبا آئے صوفیہ 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 مگر ایسا کیا کام ہے جو علاؤالدین کو صرف تنہائی میں ہی کہہ سکتی ہو ہائے ہائے نہ سمجھا کہے گا میرا پیچھا چھوڑ ورنہ چلا کے سارا محلہ اکٹھا کر دوں گی کیا کام ہے مجھ سے شہزادی صاحبہ کا پیغام لائی کیا پیغام کوئی حرج نہیں فکرو کے سامنے ہی کہہ دو انہوں نے فرمایا ہے کچھ بھی ہو ناظم بیگ کے ساتھ ہرگز تلوار بدل کرنا وہ کیوں سمجھا شہزادی صاحبہ اس سے محبت کرتی ہیں اس لیے مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی یہی نا عورت تیرا دوسرا نام ہے پڑے نہیں نہیں علاؤالدین ایسی کوئی بات نہیں تو پھر کیا بات ہے یہ میں نہیں بتا سکتی تب تو ضرور گڑبڑ گھوٹالا ہے صوفیہ جا اپنی شہزادی سے کہہ دے کہ آج رات میں خود محل میں آ کر انہیں ملوں گا اور خود ان کے منہ سے ساری باتیں سنوں گا مگر محل کے چاروں طرف اتنا سخت پہرا ہے کہ چڑیا تک اندر نہیں آ سکتی علاؤالدین کوئی چڑیا نہیں اور فخرو کوئی چار ٹانگ والا بندر نہیں ہے مجنو کا جوائی ہوں محل میں گھس کر لیلا کی بھابھی کو اپنی داستان دل ربا سنا کر ہی رہوں گا ہائے ہائے اس مکان میں تو سب پاگلوں سے ہی پالا پڑا ہے چل فخرو بھائی صاحب میری صوفیہ تو چلی گئی اب مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو دیکھ بڑے غلام صاحب کو بلا رہے ہیں ہاں بلا بلا بولو میرے آقا آج رات کو ہم دونوں شاہی محل میں جانا چاہتے ہیں دیکھو ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے تو لیجیے یہ جادوئی انگوٹھی اس میں دو کرامات ہے پہلی یہ کہ جب تم اسے پہنو گے تو تم غائب ہو جاؤ گے اور تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکے گا اور دوسری میرے کاکا نہیں نہیں میرے آقا دوسری یہ کہ تم جسے چاہو گے اس نگینے میں دیکھ سکو گے اگر کہیں سپاہیوں نے دیکھ لیا تو بالکل احمق ہے احمق احمق نہیں عقلی مند ہوں عقلی مند تسلیم بجا لاتا ہوں شہزادی صاحبہ تم کیوں آئے یہاں کسی نے دیکھا تو نہیں نہیں تو ارے میری کھٹی مٹھی جلیبی چل میرے ساتھ ہائے ہائے کیسے پاگل پن چھوڑ دے مجھے ایسے نازک موقع پر ایک کمرے میں دو سے زیادہ آدمیوں کا ٹھہرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے ہاں چل میرے ساتھ چل خدا کے لیے بات جلدی سے چلی جائے گی خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہ بولیے بس یوں ہی آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہیے دنیا کی زبان میں ابھی وہ الفاظ ہی نہیں جو اس لاجواب حسن کی تعریف کر سکے اب تو چلی جائیے کیا آپ کو میرا آنا پسند نہیں ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں مجھے تو صرف تمہاری سلامتی کا خیال ہے کہیں تو یہ بتائیے آپ نے مجھے ناظم بیگ سے لڑنے کے لیے کیوں منع کیا اس لیے کہ وہ تم سے ذہن میں بجھی ہوئی تلوار سے لڑنے والا ہے اب تو چلے جاؤ بس اتنی سی بات سے ڈر گئی
नाजिम बेग चाहे कितना ही बड़ा तलवारबाज हो, मोहब्बत के मुकाबले में वो कभी नहीं जीत सकता। अगर वो मेरे साथ धोखेबाजी से लड़ना चाहता है तो लड़े, लेकिन मैं सच्चाई पर तुला हुआ ईमानदारी से लड़ूंगा। लेकिन खुदा ना करे अगर उसकी तलवार की जरा सी नोक भी तुम्हें छू गई तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। मुझ जैसे गुनाहगार की सजा मौत ही है। गुनाहगार? हाँ, जिस आदमी ने एक पाकबाज औरत की सूरत चालबाजी से देखने का बदतरीन गुनाह किया हो उसे जीने का क्या हक है? तो फिर तुमने ये राज आज तक किसी पर भी जाहिर क्यों नहीं किया? इसलिए कि कहीं तुम्हारी इज्जत पर थप्पा ना लगे। तुम कितने अच्छे हो। ये तो आपकी जर्रा नवाजी, वरना मैं तो इन कदमों की खाक भी नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? तो मेरे सर के ताज हो और तुम मेरे दिल की धड़कन हो। शहजादी साहबा ने सच कहा था, तुम दोनों बिल्कुल अहमक हो। अहमक? नहीं मेरी जान, मैं अहमक नहीं हूँ। अहमक नहीं हूँ, मैं छोरा हूँ, तुम छोरी हो। हाय हाय, तुम बैंगन हो, मैं तोरी हूँ। नहीं, मैं मदारी हूँ, तुम जंबूरा हो। मैं सितार हूँ, तुम तंबूरा हो। मैं तंबूरा? हाय हाय, मैं तंबूरा। सके तो दिल के बदले दिल इनायत कीजिए, कह रही है हर नजर हमसे मोहब्बत कीजिए, हमसे मोहब्बत कीजिए। शरबती आंखों से नगमे शरबती आंखों से नगमे छेड़ दो बरसात के, छेड़ दो बरसात के। डूब जाएंगे निगाहों में सितारे रात के, डूब जाएंगे निगाहों में सितारे रात के। हो चुका होना था जो, हो चुका होना था जो, अब हमको रुखसत कीजिए। कह रही है हर नजर हमसे मोहब्बत कीजिए, हमसे मोहब्बत कीजिए। हो सके तो दिल के बदले दिल इनायत कीजिए, कह रही है हर नजर हमसे मोहब्बत कीजिए, हमसे मोहब्बत कीजिए। देर क्या है, देर क्या है, किस लिए इकरार से इनकार है। फूल को लंगूर से फूल पत को ये दुश्वार है, फूल को लंगूर से फूल पत को ये दुश्वार है। मुफ्त में बदनाम हो, मुफ्त में बदनाम हो, ऐसी न हरकत कीजिए। कह रही है हर नजर हमसे मोहब्बत कीजिए, हमसे मोहब्बत कीजिए। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है कि दिल की धड़कने बेताब है, धड़कने बेताब है। हंसी ख्वाबों की दुनिया पर हुकूमत कीजिए, कह रही है हर नजर हमसे मोहब्बत कीजिए, हमसे मोहब्बत कीजिए। Yeah.
रही है हर नजर, हमसे मोहब्बत कीजिए, हमसे मोहब्बत कीजिए, हमसे मोहब्बत कीजिए, हमसे मोहब्बत कीजिए। खोदर मोहब्बत के बच्चे शाही रमजान खाने मोहब्बत करने आया? नहीं जनाब, क्या बात करते, मोहब्बत करने कौन आया, मैं तो दिल लगी करने आया हूँ। दिल लगी करने आया? अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या तलवार निकाल कर, ऐसी बात मत करो, ऐसी बात हो गया, लड़ना चाहते ये है दीवाना, आए समाधान तुहे निगेपान चूठान। बराबर देखता भी नहीं, क्या कौन कौन है, क्या मुझे बेवकूफ बना था, सुखिया सुखिया
भैया आज तो लुत्फ आ गया। एक तरफ मेरी सूफिया की तिरछी नजर और दूसरी तरफ तुम्हारी तलवार का पानी, तुम्हारे हाथों हाशिम बेग की शिकस्त और इस शेर के पंजे से उस शमशुद्दीन की मरम्मत। ऐसा लगा जैसे पूरा शाही महल अपना ही माल था। जो कुछ हुआ वो खूब हुआ, मगर उस तहखाने में वो कैदी कौन था? भैया तुम भी मेरी तरह बुद्धू, चाची ने तो नहीं सुना? बड़े गुलाम साहब को ही भेज दो ना कि उसे यहां उठा लाए। हाँ चल। का मैं इसे ले आया। अच्छा इसे यहाँ रख दो। जाओ। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो भाई? तुम्हें उस तहखाने में क्यों कैद किया गया था? घबराओ नहीं, यहाँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? ये मत पूछो, बल्कि ये बताओ कि तुम्हें कैद करने की वजह क्या थी। तो सुनो, ताशियां का असली सुल्तान मैं हूँ। वजीर आजम मसूद बेग ने मेरे खिलाफ साजिश करके मेरे तख्त ताज मुझसे छीन लिए और मुझे अंधेरे तहखाने में कैद करके मेरे एक हमशक्ल आदमी को सुल्तान बना दिया। मगर किस लिए? इसलिए कि मैं अपनी मासूम बेटी की शादी उसके आवारा बेटे के साथ करने के लिए हरगिज तैयार न था। आलीजा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ बड़ी बेअदबी से पेश आए। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे रिहा किया है। लेकिन तुम हो कौन? मैं हूँ आपका खादिम अलादीन बिन मुस्तफा। और मैं हूँ आपका खास साहब फखरुद्दीन बिन बकरुद्दीन बिन बिन। किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं, कल ही मेरा मुकाबला नाजिम बेग के साथ होने वाला है। मतलब? मतलब ना पूछिए आलीजा, सिर्फ मुझ पर भरोसा रखिए और जैसा मैं अर्ज करूं वैसा ही कीजिए। इंशाअल्लाह कल तक आपके खोए हुए तख्त ताज आपको वापस मिल जाएंगे। कामयाब नहीं हो सकते नाजिम बेग, तुम अपने जान के खार बनाओ आदिम। Thank you.
زہریلی تلوار علاؤالدین کے ہاتھ میں آ گئی. تم خاموش رہو. मक्कारी रंग लाई है. तलवार वह में बुझी हुई थी. राज खुल गया. खामोश. नाजिम बेग की बहादुरी का नमूना देख लिया आप लोगों ने. मुझे जहर भरी तलवार से मारना चाहता था. और अलीजा, आप ऐसे बुजदिल और धोखेबाज को अपना दामाद बनाना चाहते हैं? मैं ये हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं. तलवार के चुनाव का हक तो पहले अलादीन को दिया गया था. हाँ, मगर तलवार बांटने का अख्तियार तो आपके वालिद ने हाशिम बेग को दिया था. एक दो कौड़ी के आदमी की हिम्मत को मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा दे. सिपाहियों, फौरन गिरफ्तार कर लो इस बागी को. आप ये हुक्म किस अख्तियार के मातहत दे रहे हैं? उस इख्तियार के मातहत जो मुझे सुल्तान आली ने अता किया है. हाँ हाँ, वजीर आजम सही फरमा रहे हैं और तुम झूठ बक रहे हो, क्योंकि असली सुल्तान मैं. लोगों ने मक्कारी और बेईमानी से इस तख्त पर कब्जा कर लिया है, मगर याद रखो, असलियत कभी छुप नहीं सकती. वो हजार पर्दे फाड़ कर बाहर आ जाती. उस भयानक तहखाने से निकलकर आज मैं आ गया. यहाँ का असली सुल्तान मैं हूँ. असली सुल्तान की सूरत तो देखो. अगर ये असली सुल्तान है तो बुजदिल की तरह कांपता क्यों? मसूद बेग, याद है जो मैंने कहा था? खुदा के इंसाफ में देर हो सकती है, अंधेर नहीं. तुमने महज इसलिए मुझे कैद कर रखा था कि मैं अपनी मासूम बेटी की शादी तुम्हारे नालायक बेटे के साथ करने के लिए हरगिज तैयार न था. हाँ हाँ, ये सब सच है. आलीजा, मैं तो रेशमा शहर का एक नाचीज मोची हूँ. मोची, मुझसे जबरदस्ती ये सब कुछ करवा दिया गया है. मुझे बख्श दीजिए हुजूर, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे जूते बनाऊंगा. जूते. गिरफ्तार कर लो इस बागी को. अब आज से तुम मेरे ही महल में रहोगे. शुक्रिया आलीजा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं अपने ही महल में रहूं. मगर तुम्हारा महल है कहां? कल तक शाही महल के सामने मेरा महल भी तैयार हो जाएगा. भाई खूब आदमी हो. मैं आज तक नहीं समझ सका कि तुम किस दुनिया की बातें करते हो. खैर, तुम्हारी मर्जी. आज की मजलिस खत्म होने से पहले मां बदौलत बागी नाजिम बेग और शमसू को सजाए मौत का हुक्म सादिर फरमाते हैं. आलीजा, गुस्ताखी मां, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं. क्यों नहीं, क्यों नहीं, शौक से. ऐसे खुशी के मौके पर किसी की जान लेना जेब नहीं देता. तो तुम ही कहो, इन्हें क्या सजा दी जाए? इजाजत है तो ये फकरुद्दीन बीन तजवीज पेश करता है. मेरा ख्याल है इन दोनों का मुंह काला करके गधे पे उल्टा बिठा के दिन भर शहर में घुमाकर शाम को शहर बदर कर दिया जाए. मक्कारों का मुंह काला,
कसम पे हुआ देश निकाला। अब तो पीछा छोड़ दो मेरी। बजा लाता हूँ अली जा। आओ बेटा अलादीन, आओ। अरे हाँ, वो तुम्हारे उस महल का क्या हुआ? महल तैयार है अली जा। तैयार है? यकीन न हो तो चलकर मुलायजा फरमा लीजिए। अरे ये तो वाकई कमाल हो गया, एक रात में इतना शानदार महल, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं आलीजा, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। बेटी बेटी बदर, इधर तो आओ। देखती हो अलादीन का कमाल, एक ही रात में कितना शानदार महल बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मुराद बढ़ाई। आलीजा, आज से हम इसी महल में रहेंगे। सुल्तान अली शर्माइए और भी शर्माइए। उस दिन जब शर्माता है तो जिंदगी होश में आती है। मैं कितना खुश नसीब हूं, आज मेरे ख्वाबों की मलिका मेरे पहलू में जलवागर है। अब मैं इन बल खाती हुई जुल्फों से खेलूंगा, इन नशीली आंखों की शराब पीऊंगा और खुद इन हाथों से ये नकाब हटा दूंगा। बदरुल बदर, आसमान के चांद को भी शर्मा देने वाला जमी का चांद। आदब होशियार। होश में आइए, अब्बा जान आ रहे हैं। से आली जा। जिंदाबाद। क्या फिक्र है किबला, आप मायूस क्यों हैं? हाँ बजान, क्या बात है? क्या बताएं? ताशियान से जुमरान जाने वाले रास्ते में जो भयानक जंगल पड़ता है, वहां आजकल एक खूंखार शेर ने तबाही मचा रखी है। जो भी मुसाफिर उधर से गुजरता है उस मूजी का शिकार हो जाता है। ओ, इतनी सी बात के लिए आप फिक्रमंद हैं? अगर आप मुझे पहले खबर कर देते तो यह खतरा कभी का मिट गया होता। खैर, कल सुबह मैं चला जाऊंगा और उस शेर का शिकार करके ही वापस लौटूंगा। नहीं नहीं, ये इरादा अपने दिल से निकाल दीजिए, खुदा के लिए। खुदा मुझे बुजदिली का सबक न दीजिए। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शहजादी साहिबा, आखिर आप कब तक यूं ही हलकान होती रहोगी? न जाने मेरा अंजाम क्या होगा। सूफिया, आजकल मैं बड़े भयानक ख्वाब देख रही हूँ। छोड़िए ऐसे ख्यालात को, इस दिलचस्प जगह में
आप जैसी लाजवाब हुस्न की मलिका को तो खुशी रहना चाहिए। ओ भाइयो, मेहरबानो, बच्चो, अरे नौजवानो, ये कैसा शोर है? ओ भाइयो, मेहरबानो, बच्चो, बूढ़ो, नौजवानो, आओ। मैं कोहताब से आया हूँ, नए चिराग लाया हूँ। लाओ पुराना नया दूंगा, पैसा वैसा कुछ न लूंगा। लूटो लूटो। ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर निकला देना सौदा है सुल्तानी। लीजिए, कोई अक्कल का बुद्धू आ गया, पुराने चिराग लेकर नए चिराग देता है। अगर इजाजत हो तो ये पुराना चिराग देकर नया चिराग ले आ, जो तेरा जी चाहे कर। सौदा है सुल्तानी यारो, सौदा है सुल्तानी। मैं जहाँ भी गया बोलबाला हुआ, सबसे आला है मेरा चिराग। जब ये घर में जले ऐसा प्यारा लगे, जैसे सहरा में फूलों का बाग। इसकी निशानी जलती जवानी, जलती जवानी है जवानी है जवानी है। ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर उजला देना सौदा है सुल्तानी यारो, सौदा है सुल्तानी। हाय हसीनों, ओ बेयकीनों, खात नशीनों की न मानी है न मानी है। ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर उजला देना सौदा है सुल्तानी जानी, सौदा है सुल्तानी। ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर उजला देना सौदा है सुल्तानी यारो, सौदा है सुल्तानी। मेरी जानो जिगर, छेड़खानी न कर, देख अच्छी नहीं है ये बात। मुझे है भारी भारी, अरे लगती है प्यारी प्यारी, जैसे हो दाढ़ी वाला बकरा। अरे दाढ़ी वाला बकरा, मुंह को संभाल लड़की, देता है किसको झिड़की बैग। आए रे हाय तेरा नखरा, सुन रे मदारी, ओहो क्या है बीमारी। अरे ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर उजला देना सौदा है सुल्तानी जानी, सौदा है सुल्तानी। ताजिर हूँ ईरानी, है नाम मेरा रमजानी। काला लेकर उजला देना सौदा है सुल्तानी यारो, सौदा है सुल्तानी। अरे दीवानी, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो फिर ले ये चिराग, इसके आगे नाक भी रगड़ेगा तो भी ये नहीं चलेगा। तू फिकर न कर, माशाल्लाह ये तो ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा कि मेरे इशारे पर तुम्हारी किस्मत का चक्कर भी चलेगा। अब देखता हूँ अलादीन का बच्चा इसे कैसे हत्याता है। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? आज रात को शहजादी बदरुल बदर के समेत अलादीन के महल को बहरानी आबशार की लहरों पे रख दो। बहुत खूब। हाहाहाहा
बेवतन हो गए। हमारा महल रेशमा शहर की बजाय किसी आबशार की लहरों पर दिखाई देता है। ये क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? आप खुद देख लीजिए। या खुदा, ये हम कहाँ हैं? इस कयामत खेज आबशार की लहरों पर हमारा महल कैसे आ गया? सूफिया, अब क्या होगा? जो हम चाहेंगे वही होगा। चिराग लेकर हमें नए चिराग दिए थे। बंदर जैसी शक्ल वाला नहीं, बल्कि तुम सबको बंदरिया बना देने की ताकत रखने वाला हिकमत जादूगर। तुम सब यहां से चली जाओ, जाओ। अलादीन को भूल जाओ हमारी जान, क्योंकि अब हमारे पास जादुई चिराग जो तुम्हारी बेवकूफ लौंडी ने हमें दे दिया था। मगर अब तुम क्या चाहते हो? ये तुम हमारी आंखों में समा कर देखो। देखो हमारी उम्मीदों के सितारे तुम्हारे लिए कितने बेकरार। ने भी एक बदर की जरूरत। बदर आओ, करीब आओ और इन सितारों की जान बन जाओ। दूर रहो बदतमीज। बदतमीज है हुस्न की महफिल में मोहब्बत के तरफगार को पहले पहल यही सुनना पड़ता। फिर भी तालिब की इल्तिजा कि एक बार, सिर्फ एक बार हाँ कह दो, फिर देखना हम इस हाँ के इशारे पर दोनों जहान की मुसरतें कुर्बान कर देंगे। कहो जाने मत, हाँ कहो, ये बेरुखी अच्छी नहीं। चाहे तो पहाड़ों को मिटा सकता है, लेकिन इस पाक दामन औरत को नुकसान तो क्या, तू छू भी नहीं सकता। भूलता है चमगादड़ के बच्चे, हमारी इन दो उंगलियों के छूने से ये जादुई चिराग हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर भी शहजादी तेरी नहीं हो सकती जब तक कि ये अपने राजे खुशी से तेरे प्यार का इकरार न कर ले। अगर ऐसा ही है तो हमारा फैसला भी सुन लो। हम तुम्हें उस वक्त तक इस आबशार की लहरों पर टिके हुए महल में कैद रखेंगे जब तक तुम राजी खुशी हमारा प्यार कबूल न कर लोगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। खुदा। अब तुम्हारी चीखों पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। अब भी वक्त है, सोच लो, वरना तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को तुम्हारी पाक दामनी के कफन में लपेट कर इसी आबशार की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। करो सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो। ये क्या बदतमीजी है? मैं सुल्तान आली से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें बर्तरफ करवा दूंगा। बल्कि यूं समझो कि मां बदौलत तुम्हारा सर कटवा देंगे। लेकिन मेरा जुर्म आलीजा? जुर्म? जादूगर मेरी बच्ची को फुसला कर शादी कर ली, उस मासूम को महल के साथ उठा ले गया और अब पूछता है जुर्म क्या है। आलीजा, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन मैं सब कुछ समझ गया। मेरी गैर मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ है। मुझे सिर्फ एक महीने की मोहलत दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपकी बेटी को न लाया तो मैं खुद अपना सर काट कर आपके कदमों में निछावर कर दूंगा। मां बदौलत को तुम्हारी इल्तजा मंजूर है। तुझे हंसी आती है मेरे आंसू?
पकड़ू, उल्लू की तरह हंसता क्या है? हंसू नहीं तो क्या अपनी नानी के नाम का हाथिया पढ़ू? भैया तुम भी बुद्धू ही रह गए। माफ करना चाहती, मैं तो ये कह रहा था अपने भैया के बड़े गुलाम साहब ने जो अंगूठी दी है ना, उस अंगूठी में क्यों ना देख लिया जाए कि शहजादी साहिबा है कहाँ। इधर ला, जल्दी बताए जादू अंगूठी, वो महल कहाँ है? अरे ये महल तो बहरानी आबशार की लहरों पर रखा हुआ दिखाई दे रहा। चल फकरू, इस जादुई अंगूठी की मदद से हम शहजादी को ढूंढ लेंगे। अल्लाह जी, मगर मैं तुझे कैसे जाने दूं? खुदा न खास्ता कोई आफत आ गई तो? अम्मी, अगर मैं न गया तो मेरी मोहब्बत और मेरे फर्ज दोनों पर हर्फ आ जाएगा। मगर बेटा, मुझे मत रोको माँ, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ। खुदा, माँ की दुआ से कश्ती तूफान से पार होगी, मुझको फतह मिलेगी, दुश्मन की हार होगी। वहां होगी। चलो भाई साहब।
ये तो वो है अलादीन, हाँ, और फखरुद्दीन, रब्बुल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी जान सुफिया, मेरी तीरों कमान सुफिया। मगर ताज्जुब तो यह है कि महल यहाँ कैसे पहुँच गया। ये मेरी गलती का नतीजा है, मैंने वो चिराग पुराना समझकर उस बदमाश को दे दिया था। लेकिन बेकसूर मैं भी नहीं हूँ, मुझे वो चिराग इतनी लापरवाही से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। खैर हो गई सो हो गई, लेकिन अब क्या किया जाए। आ गई। कौन आ गई? मेरी सुफिया तो मेरे पास। अरे बुद्धू तरकीब याद आ गई। तरकीब याद आ गई तो जाहिर करो ना। मगर शायद बदर इसके लिए राजी न हो सके। तुम हुक्म दो और मैं ना बजा लूं, ये कैसे हो सकता है। तो सुनो, जब हिकमत जादूगर तुम्हारे पास पहुंचे तो उस वक्त उस बेईमान के सामने तुम झूठ मूठ की मोहब्बत का इजहार करो और तीर निशाने पर लगते ही एक शानदार जश्न मनाने का इकरार करवा लो। फिर जब वो मगरूर नाच रंग में मदहोश हो जाए तो मैं ऐन वक्त पर पहुंचकर वो चिराग उससे छीन लूंगा। तब तो अपना ही माल है। नहीं, ये काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता। वो मक्कार हिकमत उस चिराग को अपने बाप की वसीयत समझकर हरदम अपने पहलू में दबाए रखता है। फिर क्या? देखो ये अंगूठी, इसमें मैंने जहर छिपा रखा है। जब वो बदमाश मुझसे मोहब्बत का इजहार करने आएगा तो मैं मौका पाकर इसे उसके सागर में उंडेल दूंगी। लेकिन ये जहर तुमने अपने पास क्यों रख छोड़ा है बदर? इसलिए कि शायद कभी तुम्हारी मोहब्बत और अपनी इस्मत के लिए मुझे जान पर खेलना पड़े। खुदा ऐसा वक्त कभी नहीं लाएगा बदर, बल्कि वो शैतान हिकमत जादूगर। लो हजरत की बड़ी उम्र, याद करते ही आ गए। चल सूफिया। सूफिया तू भी छुप जा। इनकलाब नहीं, वक्त की आवाज।
जिसे हमने सुना और दिल ने कहा। क्या कहा दिल ने? यही कि अलादीन के पास सिर्फ एक दीन है और तुम्हारे हाथों दीन भी है और दुनिया भी। फिर सिर्फ एक दीन के लिए तमाम दुनिया की नेमतों को छोड़ देना कहाँ की अकलमंदी। वल्लाह वल्लाह तुम जितनी हसीन हो उतनी समझदार भी हो, समझदार भी हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने हमारी अजमत को पहचान लिया। कहो इस खुशी में हम तुम्हें कौन सा तोहफा पेश करें? तोहफे की जरूरत नहीं, अगर हो सके तो इस रस्म मोहब्बत की सलामती के लिए एक शानदार जश्न हो जाए। बखुदा रस्म मोहब्बत की सलामती तो हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। हम इस जश्न में नाचने के लिए अभी हसीन और जमील परियों को हाजिर किए देते हैं, लेकिन एक कमी रह जाएगी। हाँ तो क्या हमारे होते हुए वो कमी पूरी नहीं हो सकती? तो तुम नाचना भी जानती हो? बहुत खूब बदरुल बदर, बहुत खूब। तुम्हें नाचते हुए देखकर तो हमें जिंदगी जिंदगी नजर आएगी। हम अभी इंतजाम किए देते हैं। हिकमत के वास्ते अरे रमन के रास्ते फतेह मेरा काम कर, जश्ने मोहब्बत का इंतजाम कर।
बदुल बदर, आज तो तुम्हारी नाचती हुई अदाओं ने हमें परिस्थान का मालिक बना दिया। मरहबा, तुम तो सर से पांव तक रक्स हो, जाम हो, शबाब हो और शराब भी। कहीं हमें स्वप्न कह देना। वाह, खूब याद दिलाया। साखी, तो फिर पिला दो ना साखी हमें। आज ऐसी पिला दे ऐ साखी कि जिंदगी की प्यास मिट जाए, मेरी आंखों में यूं समा जाओ, तीनों दुनिया की आस मिट जाए। लाओ ऐसे पिला दो कि दुनिया तो क्या, हम अपने आप को भी भूल जाए। और जो कहीं हमें भूल गए तो? काफर कह देना जो तुम्हें भूल जाए। क्यों, कोई शुबा है? नहीं नहीं, शायद अभी हयात उसी में हो। शुक्रिया। शराबी मोहब्बत तो पी ली, अब जरा लुत्फ में मोहब्बत भी हो जाए। ज्यादा न तड़पाओ दिले बिस्मिल को बदर, आओ करीब आओ। अब मैं समझ गया, तुमने मुझे जहर दे दिया है। दगाबाज, अपनी मौत से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। आज हिकमत जादूगर की कोई हिकमत उसके काम नहीं आ सकती। ये तेरी तीसरी शिकस्त है। जब गादर के बच्चे, मैं तुम सबको मार डालूंगा। देख देख, तुझ में अब इतनी ताकत भी नहीं कि तू अपने हाथों से इस चिराग को रगड़ सके। बेहतर है कि तू अब जल्दी से मर जा, ताकि तेरी जान निकल जाने के बाद मैं आजाद रहूं। मैं नहीं मरूंगा, मैं तुम सबको मार मरूंगा। खुदा के फजल व करम से हमारी सब मुसीबतें खत्म हो गईं बदर। नहीं, बल्कि यूं कहो कि नई मुसीबतें शुरू हो गईं। बाप रे, ये बला कहां से टपक पड़ी? नाजिम बेग, तो तू भी मेरे हाथ से मरने के लिए अब तक जिंदा है? बकवास बंद कर, ये जादुई चिराग फेंक दे, वरना ये तलवार बदर के बदन से पार हो जाएगी। फेंक दे। नाजिम, वहीं ठहर जा। खुदा को याद कर, अब तू दो घड़ी का मेहमान है। ना बेटा, अब कलमा पड़ेगा जबकि पड़े गुलाम साहब तुझे छू मंतर कर देंगे। मुझे मालूम न था तू इतना बुजदिल है, जादुई चिराग की मदद से मेरी जान लेना चाहता है। अलादीन, अगर तेरी रगों में ईमान जिंदा है तो दिखा अपनी तलवार का जौहर।
आज मेरी तलवार में जहर नहीं है। ठीक है, पकड़ो ले। खबरदार जो इसका सहारा लिया। नहीं नहीं, तुम जानबूझकर अपने आप को क्यों खतरे में डाल रहे हो? इसलिए कि तारीख में कोई ये न लिखे अलादीन बुजदिल था। या मी हमेशा इसी हाल में कदम चूमा करती है। भाई साहब, फतह तो हासिल हुई है चाची की दुआओं से। अरे हाँ, माँ की दुआओं से। चलो बदर, हमारे वालदन हमारे लिए बहुत बेकरार होंगे। अरे तो बुलाओ ना मेरे काका को। लो हाँ, अभी लो। Come on, man.